सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस से बैकलैश झेलने के बाद जासमिन भसीन ने फाइनली इस पूरी कंट्रोवर्सी को क्लैरिफाई करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने बोल दिया कि सिद्धार्थ हर सीजन में आएंगे जब तक मनीषा रहेगी। क्या है ये पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप सभी को बता दूं कि किस तरीके से जासमिन भसीन ने कंट्रोवर्सी को आग दे दी जब उन्होंने राहुल वैद्य, दिशा परमार और अली गौनी के साथ एक लंच डेट पर जाकर जो है ये कॉन्वर्सेशन छेड़ी कि किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला इज देयर इन एवरी सीजन बिकॉज ही इज फेवर्ड बाय द मेकर्स। यहाँ दिशा परमार आपको इस वीडियो में अली गौनी की जो स्टोरी उन्होंने डाली है उसमें पूछती हुई नजर आ रही हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के हर सीजन में आएंगे, जिसके बाद जैस्मिन कहती हैं कि जब तक मनीषा रहेंगी। उसके बाद जो है उनको बहुत ही ज्यादा बैकलैश झेलने को मिला फ्रॉम सिद्धार्थ शुक्ला फैंस, और कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि सिद्धार्थ अगर ऐसे फ्रेंड्स रख रहे हैं तो उनको फ्रेंड्स नहीं ही रखने चाहिए। जिसके बाद जैस्मिन भसीन ने क्लैरिफाई करते हुए लिखा है, लॉल देर हैज बीन सम मिसअंडरस्टैंडिंग, वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला और एनीवन, दिस वॉज जस्ट अ फनी एंड लॉन्ग कॉन्वर्सेशन जिसका कोई भी सिद्धार्थ शुक्ला से कनेक्शन नहीं था। सिद्धार्थ शुक्ला इज अ डियर फ्रेंड एंड अ वेरी डियर को स्टार। तो ये सब कुछ लिखते हुए जासमिन भसीन ने अपनी कॉन्ट्रोवर्सी को शांत करने की तो कोशिश की, लेकिन भाई आप तो जानते ही हैं कि जो एक बार सरफेस कर जाए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, उसे कुछ कोई भी नहीं रोक सकता है कॉन्ट्रोवर्सी बनने से। और कॉन्ट्रोवर्सी अगर छिड़ी है तो भाई कुछ अंजाम तो जरूर होगा। जासमिन भसीन की ये बात किसी ने कबूली तो नहीं, लेकिन उनसे सवाल पूछ डाले कि आखिर अगर आप ये नहीं कह रही थी तो क्या कह रही थी, और अगर आप ये नहीं कह रही थी तो फिर सिद्धार्थ और मनीषा का नाम ही क्यों सामने आया। तो भाई क्या कहना चाहते हैं आप लोग इस पूरी खबर के बारे में, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।